हेलो फ्रेंड्स वेरी वॉम वेलकम टू एल के आई होप एवरी वन ऑफ यू इज़ सेफ एंड डूइंग वेल एट होम और एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन फुल स्विंग में आपकी चल रही होगी सो इसी के साथ वी विल स्टार्ट विथ टू लेक्चर जो कि है हमारा करंट अफेयर्स लेक्चर नंबर थर्टी टू वी हैव कम अ लॉन्ग लॉन्ग वे तो as our ritual we will start our lecture with a quote never dream for success but work for it और पिछले काफ़ी lectures से मैं आपको यही एक ही चीज़ बता रहा हूँ कि आपने तय तो कर लिया है form भी हम काफ़ी सारे भर दे दें exams के लिए but still we are not able to reach to the result why because we are not properly preparing for the examination we are not properly working for it okay to jo bhi exam aapne dena chahte ho class 1 2 3 4 ssc cgl or xyz examination you have to prepare a plan jo ki aapke liye suitable ho okay ho sakta hai ki आप अगर किसी का plan copy कर रहे हो वो plan किसी और individual के लिए या किसी और student के लिए सक्सेसफुल हो सकता है बट नॉट फॉर यू सो प्रिपेयर योर ओन प्लान फाइंड योर ओन स्ट्रेंथ्स एंड योर ओन वीकनेसेस टू स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ ही रहने वाली है वर्क ऑन योर वीक वीकनेसेज जो आपके वीक पॉइंट है वीक सब्जेक्ट है वीक टॉपिक्स है उसके ऊपर काम कीजिए तो आप मेरिट में ज़रूर 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 आ पाएंगे और इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट करेंगे बट बिफोर स्टार्टिंग टूडेज़ लेक्चर देर इज़ वन शॉर्ट न्यूज़ और अपडेट दैट आई वॉन्ट टू शेयर विथ ऑल ऑफ़ यू तो जैसे कि हमें पता है कि कोविड नाइन्टीन सिचुएशन की वजह से देश के कई सारे हाई कोर्ट्स या फैमिली कोर्ट्स और जो रीजनल कोर्ट्स है इवन सुप्रीम कोर्ट्स इज़ नॉट प्रॉपरली फंक्शनिंग वो लोग फिजिकली कोर्ट में जाकर केसेस की सुनवाई नहीं कर सकते तो इसी के चलते काफ़ी सारे जो इम्पोर्टेंट केसेस है उनकी सुनवाई ऑनलाइन हो रही है और देश भर में गुजरात हाईकोर्ट पहली ऐसी हाईकोर्ट बन चुकी है जिसने ट्वेंटी सेवेंथ ऑफ ऑक्टोबर को अपनी कोर्ट प्रोसीडिंग्स का जो न्यायालय की जो कार्यवाही है उसका लाइव स्ट्रीमिंग किया अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। ओके okay, सो so देखिए यहाँ पे मैंने यूट्यूब का स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर किया है स्क्रीन पे तो जो लोग गुजरात गवर्नमेंट की एग्जाम दे रहे हो तो दिस कुड बी अ पॉसिबल क्वेश्चन इन अपकमिंग एग्जामिनेशन जहाँ पे आपको वन लाइनर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी हाई कोर्ट है जिसने अपनी कोर्ट प्रोसीडिंग्स का लाइव प्रसारण किया ऑन वरियस सोशल मीडिया चैनल्स ओके देखिए यहाँ पे आपको चीफ जस्टिस दिख रहे हैं राइट दिस इज़ दी विंडो ऑफ चीफ जस्टिस तो चीफ जस्टिस का नाम क्या है विक्रम नाथ जिन जिनको पिछले साल ही अपॉइंट किया गया है तो वो बैठे हुए का जो अलग अलग पार्टीज के जो लॉयर्स है वो अपनी अपनी बात यहाँ पे कहते हुए हमें दिख रहे हैं तो आपको ये चीज़ याद रखनी है लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ चीफ जस्टिसिस कोर्ट ऑफ गुजरात हाई कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट पहला ऐसा हाई कोर्ट बना है जिसने अपनी कोर्ट प्रोसीडिंग्स का जो आ, प्रोसीडिंग्स है उसको लाइव लोगों के सामने रखा है चलिए तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था इसी के साथ टुडेज फर्स्ट टॉपिक इज़ किसान सूर्योदय योजना जो कि गुजरात में लॉन्च की गई पिछली बार मैंने आपको होमवर्क में ये चीज़ दी हुई थी तो जिसने पढ़ा होगा उसको ऑलरेडी आइडिया होगा कि वॉट इज़ किसान सूर्योदय योजना So recently, the Prime Minister has launched the Kisan Suryoday Yojana, aimed at providing daytime electricity to farmers in Gujarat for irrigation and farming purposes. Okay, so तो see, काफी सारी farming के साथ related ऐसी चीजें हैं जो हमें पता नहीं है क्यों? क्योंकि हम farming के साथ जुड़े हुए नहीं हैं. जैसे हमें लगता है कि हम हमें अगर 24 घंटे से पानी मिल सकता है तो फार्मर्स को क्यों अपने खेतों के लिए 24 घंटे पानी नहीं मिल सकता उनको क्यों 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल सकती तो देर आर मल्टीपल रीजन्स के जिसकी वजह से ये पॉसिबल नहीं हम उतने गाँवों तक अभी तक पहुँच ही नहीं पाए हैं कि किसानों को ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके और इसीलिए किसानों को लोन लेकर बिजली लेनी पड़ती है या जनरेटर्स लेने पड़ते हैं पानी के टैंकर्स मंगवा कर खेती करनी पड़ती है जिनकी वजह से क्या होता है उनके ऊपर जो लोन है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है तो उसी को कम करने के लिए क्योंकि इस इस गवर्नमेंट का ये एक एम है कि 2022 तक टू तक 2022 तक जो किसानों की आय जो है उसको क्या करना है डबल करना है एंड वाई ट्वेंटी ट्वेंटी टू इज सिलेक्टेड बिकॉज तब हमारे आज़ादी के पचहत्तर साल पूरे होंगे तो जो ये गवर्नमेंट है वो ये चाहती है कि 75 साल जब आज़ादी के पूरे हो रहे हो तो देश के किसानों को एक तोहफ़ा दे दिया जाए और वो तोहफ़ा क्या होगा कि उनकी जो आय है उनकी जो इनकम है वो कितनी हो जाएगी दोगुनी हो जाएगी हमने आगे कुसुम योजना के बारे में पढ़ा था कि अगर जो ज़मीन पूरे साल यूज़ नहीं होती है या बिल्कुल भी यूज़ नहीं होती है तो उसके ऊपर किसानों को सब्सिडी दी जाएगी टू तो इंस्टॉल दी सोलर पैनल्स ताकि सोलर पैनल से जो बिजली जनरेट होगी वो अगर वो गवर्नमेंट को बेचेंगे उसको नेशनल ग्रिड के साथ जोड़ दिया जाएगा तो वो अगर गवर्नमेंट को बेचेंगे तो उनसे भी उनकी आय हो सकती है उनको इनकम जनरेट की जा सकती है सो रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर हैज़ लॉन्च द किसान सूर्योदय योजना फॉर गुजरात एम्ड एट प्रोवाइडिंग डे टाइम इलेक्ट्रिसिटी टू फार्मर्स इन गुजरात तो एक तो है कि गुजरात के लिए लॉन्च की गई और दूसरा है किसके साथ जुड़ी है उसका बेसिक एम क्या है जो पर्पज है वो क्या है ताकि डे टाइम इलेक्ट्रिसिटी दिन के टाइम में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाई जा सके ताकि जो सिंचाई का काम है इरिगेशन का जो काम है और खेती के जो सारे काम है वो दिन के दौरान किसान पूरा कर सके द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो लॉन्च अ 2.3 किलोमीटर लॉन्ग रोप वे प्रोजेक्ट एट माउंट गिरनर इन जूनागढ़ सिटी मेजर पिलग्रिमेज साइट तो देखिए ये वर्चुअली लॉन्च की गई इसके दो ही दिन बाद आ, थर्टी फर्स्ट अक्टूबर को जब सरदार वल्लभ भाई पटेल का आ, एनिवर्सरी था बर्थ एनिवर्सरी था तो उस दिन प्राइम मिनिस्टर दो तीन दिन के गुजरात दौरे पर थे और उन्होंने केवड़िया में काफ़ी सारी आ, जो स्कीम्स है उनका इनाग्रेशन किया नाउ व्हाट इज किसान सूर्यो, सूर्योदय योजना सो रुपीज थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड करोर विल बी स्पेंट ओवर नेक्स्ट थ्री इयर्स फॉर प्रोवाइडिंग सोलर पावर टू फार्मर्स फॉर इरिगेशन ड्यूरिंग डे टाइम और वो क्या टाइम होगा फाइव ए एम टू नाइन पी एम देखिए एज ऑफ नाउ सारे किसानों को पाँच सुबह के पाँच बजे से लेकर रात के नौ बजे तक उनके खेतों के लिए बिजली नहीं मिलती है क्यों क्योंकि इस टाइम पे रेसिडेंशियल लोड जो है वो ज़्यादा होता है और 9 बजे के बाद रेसिडेंशियल लोड कम हो जाता है तब जाके खेतों के लिए बिजली दी जाती है अबाउट 3,500 सर्किट किलोमीटर्स ऑफ न्यू ट्रांसमिशन लाइंस विल बी लेड और ये काम पूरा करने के लिए 3500 किलोमीटर की सर्किट uh, जो है बिजली की लाइनें जो है वो बिछाई गई है बिछाई गई है या तो बिछाई जाएगी ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट थ्री ईयर्स टेन डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूडिंग दाहोद गिर सोमनाथ एंड तापी हैव बीन सिलेक्टेड अंडर दिस स्कीम फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी 20 टू 2021, ट्वेंटी वन द रिमेनिंग डिस्ट्रिक्स विल बी कवर्ड इन अ फेज वाइज मैनर बाई ट्वेंटी ट्वेंटी टू टू सो आने वाले तीन साल 2023 तक ये स्कीम चलेगी और फेज वाइज मैनर में 10 जो पिछड़े हुए इलाके हैं बेसिकली जहाँ पे ये सारी फार्मिंग की सुविधा अब तक नहीं पहुँची है तो उनको पहले टारगेट किया जाएगा ताकि वहाँ के किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके तो पहले फेज़ में कौन से तीन डिस्ट्रिक्ट है दैट इज़ दाहोद गिर सोमनाथ एंड तापी देखिए इसमें से दाहोद और तापी दोनों ही ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो ट्राइबल है और ट्राइबल लोग ज़्यादातर खेती के साथ जुड़े हुए हैं उनके छोटे छोटे खेत हैं राइट right? और गीर सोमनाथ जो हाल ही में पिछले कुछ सालों में जो सात नए डिस्ट्रिक्ट बने गिर सोमनाथ इज वन ऑफ देम सिग्निफिकेंस क्या होगा सो इट वुड हेल्प द एक्सपांशन ऑफ माइक्रो इरीगेशन इन द स्टेट माइक्रो इरीगेशन इज डिफाइंड एज द फ्रीक्वेंट एप्लीकेशन ऑफ स्मॉल क्वान्टिटीज ऑफ क्वांटिटीज ऑफ वाटर डिरेक्टली अबोव एंड बिलो दि सॉइल सर्फिस यूजअली एज डिस्क्रीट ड्रॉप्स कंटिन्यूस ड्रॉप्स और टाइनी स्ट्रीम्स थ्रू एमिटर्स प्लेस्ड अलॉन्ग अ वाटर डिलीवरी लाइन तो जो इरिगेशन माइक्रो इरिगेशन जो है उसको बेसिकली एक्सपांड करने के लिए ये क्या करेगा हेल्प करेगा इट वुड कॉम्प्लीमेंट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स ऑफ द स्टेट सुजलाम सुफलाम एंड सौनी योजना तो सौनी योजना भी ऑलरेडी नो एंड सुफलाम सुजलाम सुफलम भी काफ़ी सालों से चली आ रही है तो दोनों ही इरिगेशन सिंचाई के साथ जुड़ी हुई योजनाएँ है और सौनी का फुल फॉर्म क्या है सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण इरिगेशन तो उसको भी ये हेल्प करेगा इट वुड कॉम्प्लीमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशियटिव लाइक नीम कोटिंग यूरिया सॉइल हेल्थ कार्ड एंड कुसुम योजना कुसुम के बारे में भी है टॉक्ड इन मच डिटेल जिसको नहीं पता है जस्ट पॉज दिस स्लाइड एंड ओपन योर नोट्स वहाँ पे आपको कुसुम के सारे डिटेल्स मिल जाएंगे इंडिया हैज नाउ रिचड टू फिफ्थ पोजिशन इन दी वर्ल्ड इन द लास्ट फ्यू ईयर इन सोलर पावर एंड इज एडवांसिंग फास्ट तो देखिए इंडिया पिछले From 2014-15 हमारे गव हमारी जो गवर्नमेंट है नई गवर्नमेंट है वो क्लीन एनर्जी में काफ़ी बिलीव करती है और जब नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तब से उन्होंने सोलर पावर के लिए काफ़ी अच्छा काम किया है तो इसलिए अगर आपको पता होगा तो जब सोलर पावर के यूजेज की जब रैंकिंग आती है तो गुजरात हमेशा उसमें टॉप फाइव में रहता ही रहता है क्यों क्योंकि गुजरात ने काफ़ी सालों से आ, अर्ली 2010 से 2010 से वो काम सोलर पावर के लिए काम स्टार्ट हो गया था इंडिया हैज़ नाउ रिच फिफ्थ पोजिशन इन दी वर्ल्ड इन द लास्ट फ्यू ईयरस इन सोलर पावर एंड इज़ एडवांसिंग फास्ट फर्दर इट हैज़ गिवन दी वर्ल्ड द प्लान ऑफ वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड तो ये नारा जो है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आ, सारे जो लीडिंग कंट्रीज हैं उनको दिया गया है और काफ़ी सारे कंट्रीज़ अब तक ऑलमोस्ट 57 सेवन टू फिफ्टी कंट्रीज हमारा जो सोलर पावर का जो प्रोजेक्ट है उसके साथ जुड़ चुके हैं ओके ऑन द किसान सूर्योदय स्कीम द पीएम एम दैट फार्मर शुड सेव वाटर एंड अडॉप्ट मंत्रा पर ड्रॉप मोर क्रॉप तो हर एक जो पानी का बूंद है वो काम में आना चाहिए आपके इरिगेशन के काम में आना चाहिए आपके फार्मिंग के काम में आना चाहिए वो वेस्ट नहीं होना चाहिए विथ द ऑब्जेक्टिव ऑफ़ पर ड्रॉप मोर क्रॉप प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वॉज ऑल्सो लॉन्च इन ट्वेंटी फिफ्टीन तो जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना थी उसका एक आ, सूत्र वाक्य था जो क्या था पर ड्रॉप मोर क्रॉप इट इज़ अट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बींग इम्प्लीमेंटेड टू एक्सपांड कल्टिवेटेड एरियाज विथ अश्योर्ड इरीगेशन रिड्यूस्ड वेस्टेज ऑफ वाटर एंड इम्प्रूव वाटर यूज एफिशियंसी एंड एनश्योर हर खेत को पानी इट वॉज कंसीव्ड बाई अमाल ऑन गोइंग स्कीम वाया ए आई बी पी आई डब्ल्यू एम पी और ओ एफ डब्ल्यू एम तो ये सारी जो पुरानी स्कीम्स थी उनको कॉन्सोलिडेट करके प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बनाई गई है द स्कीम इज़ इम्प्लीमेंटेड बाई द मिनिस्ट्रीज ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर जल शक्ति मिनिस्ट्री एंड रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री तो तीन सेंट्रल मिनिस्ट्रीज जो है वो इसमें साइमल्टेनियसली साथ में आ, इसके जो गोल से उसको अचीव करने के लिए काम कर रही है इसके साथ साथ जो और एक वर्चुअली लॉन्च किया गया जो प्रोग्राम दैट इज़ रोप प्रोजेक्ट ऑन माउंट गिरनर जो कि एशिया का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट टेम्पल रोप वे है ओके सो द 2.3 किलोमीटर लॉन्ग रोप वे प्रोजेक्ट इज बींग टाउटेड एज द लॉन्गेस्ट टेम्पल रोप वे इन एशिया माउंट गिरनार हैज गोरखनाथ पीक गुरु दत्तात्रेय पीक एंड अ जैन टेम्पल अगर कभी किसी ने गिरनार विजिट किया हो तो जब आप गिरनार चढ़ना स्टार्ट करोगे तो ऐसा नहीं है कि वहां पे खाली हिंदू देवी देवताओं के मंदिर आपको मिलेंगे देर आर मल्टीपल जैन टेम्पल्स ऑल्सो तो क्योंकि उस टाइम पे जैन राजाओं का भी दबदबा था गुजरात में और जैन रिलीजन जो था वो फल फूल रहा था हिस्ट्री में आपने ऑलरेडी ये चीज़ कवर कर ली है तो उसके लिए गिरनार में काफ़ी राजाओं ने जो जैन धर्म से रिलेटेड मंदिर थे वो भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे अलोंग विद गोरखनाथ पीक जो कि सबसे ऊपर है एंड गुरु दत्तात्रेय पीक इट इज़ दोर्थ रोप वे इन गुजरात अलॉन्ग विध बनासकांठा पावागढ़ एंड सातपुड़ा। इट विल गिव अ बूस्ट टू एडवेंचर एक्टिविटीज एज वेल एज टूरिज्म इन दिस स्टेट ऑलरेडी अपने न्यूज़ में जो काफ़ी सारे जो रोप वे स्टेशन बनाए हैं विथ ऑल दी मॉडर्न अम्यनिटीज तो डेफिनेट सी बात है कि वहाँ पे टूरिज्म जो है वो बढ़ेगा और एक बार जब टूरिज्म बने बढ़ेगा तो जो लोकल इकोनॉमी है उसको ऑटोमेटिकली क्या होगा बूस्ट मिलेगा साइट्स लाइक शिवराजपुर बीच है विच हैज़ गॉट द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन एंड स्टेचू ऑफ यूनिटी प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू दी लोकल्स और देखिए नॉट ओनली दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट और दैट पर्टिकुलर एरिया विल बेनिफिट फ्रॉम दिस अगर आपको याद हो तो जब स्टेच्यू ऑफ़ यूनिटी नहीं था तो जो हाईवे है मान लीजिए कि अगर आप सूरत या बड़ौदा से केवड़िया जाने वाला जो हाईवे है दैट वाज नॉट देट मच डेवलप्ड और वहाँ के गांव इतने डेवलप नहीं थे बट जब से स्टेच्यू ऑफ यूनिटी स्टार्ट हुआ है तो पिछले दो तीन चार सालों में जो वो पूरा स्टेट हाईवे है उसको फ़ोर लेन या सिक्स लेन कर दिया गया है अब जब फोर लेन सिक्स वे हाईवे होगा तो वहाँ पे रेस्टोरेंट्स खुलेंगे रेस्ट rest, रेस्टिंग के लिए प्लेस खुलेंगे गार्डन्स बनेंगे और वो जो गांव है उनको नए नए बिजनेस हाईवे पे मिलेंगे पेट्रोल पम्प खुलेंगे तो बाकी सारे वो पूरे स्ट्रेच में जितने भी लोग हैं वो वो लोग इकनॉमी में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे तो उन सब लोगों को वहाँ पर फ़ायदा होगा तो ये थे हमारे न्यूज़ गुजरात से रिलेटेड नेक्स्ट जो न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू रामसार साइट्स तो दो नई रामसार साइट्स को अनाउंस किया गया है सो रिसेंटली कबरतल वेटलैंड विच इज़ इन बिहार एंड आसन कंजर्वेशन रिजर्व विच इज़ इन उत्तराखंड हैव बीन डेजिग्नेटेड एज रामसार साइट्स मेकिंग देम वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस तो इसी के साथ जो इंडिया में रामसार साइट्स जो जनवरी में अगर आपको पता हो तो जनवरी में 10 रामसर साइट्स को इंक्लूड किया गया था वाई बिकॉज सेकेंड ऑफ फेब्रुवरी को वी आर सेलिब्रेटिंग एज अ वेटलैंड डे तो उसके साथ हमारे जो नंबर्स है वो, वो कितने हो गए हैं थर्टी नाइन हो चुके हैं विथ इंक्लूडिंग दिस टू न्यू रामसार साइट्स अर्लियर इन 2020 इंडिया डेजिग्नेटेड टेन मोर वेटलैंड्स एज अ राम साइट टेकिंग द टोटल नंबर फ्रॉम 27 टू

It acts as a vital flood buffer for the uh, region, besides providing livelihood opportunities to local communities. सिग्निफिकेंट बायोडाइवर्सिटीज़ प्रेजेंट विथ वन सिक्सटी फाइव प्लांट स्पीशीज़ एंड थ्री नाइन्टी फोर एनिमल स्पीशीज़ रिकॉर्डेड इंक्लूडिंग टू ट्वेंटी वन बर्ड स्पीशीज़ तो देखिए कितनी वेराइटी ऑफ बायोडाइवर्सिटीज़ वहाँ पर हमें देखने को मिलेगी प्लान भी है एनिमल स्पीशीज़ भी हैं एंड बर्ड स्पीशीज़ भी हैं इट इज़ ऑल्सो वैल्यूएबल साइट फॉर फिश बायोडाइवर्सिटी विथ ओवर फिफ्टी स्पीशीज़ डॉक्यूमेंटेड जो नॉन स्पीशीज़ है वो फिफ्टी फ़िश स्पीशीज़ भी हमें वहाँ पर देखने को मिलती है इट इज एन इम्पॉर्टेंट स्टॉप ओवर अलॉन्ग देंट्रल एशियन फ्लाई वे विद फिफ्टी एट माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स यूजिंग इट टू रेस्ट एंड रिफ्यूल तो जब विंटर के सीजन में जब माइग्रेटरी बर्ड आते हैं तो जब वो वापस अपने घर जा रहे होते हैं टू देस्ट तो उस टाइम पे दिस इज द रेस्टिंग प्लेस फॉर देम फाइव क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज इन्ेबिटेड द साइट इंक्लूडिंग थ्री वल्चर्स विच आर दे द रेड हेडेड वल्चर वाइट रम्बड वल्चर एंड द इंडियन वल्चर दी टू वाटर बर्ड्स दोशियेबल लेपिंग एंड द बेस्ट पोचार्ड जो है वो भी यहाँ पे रहते हैं मेजर थ्रेड्स टू द साइट इंक्लूड वाटर मैनेजमेंट एक्टिविटीज सचेज ड्रेनेज वाटर एबस्ट्रेक्शन डैमिंग एंड कैनलाइजेशन तो इसकी वजह से अब तक यहाँ पे जैसे चाहे वैसे कंस्ट्रक्शन हो रहा था अब क्योंकि इसको व वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस और रामसार साइट में इंक्लूड कर लिया गया है नाउ देर विल बी सम रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि इसको प्रिजर्व करने के लिए इसके कंजर्वेशन के लिए मदद करेगा नेक्स्ट इज आसान कंजर्वेशन रिजर्व जो कि उत्तराखंड में सो ए सी आर इज़ अ फोर फोर्टी फोर हैक्टेयर स्ट्रेच ऑफ आसान रिवर रनिंग डाउन to the confluence with the Yamuna River in Dehradun district of Uttarakhand. It is Uttarakhand's first Ramsar site. Okay, so देखिए state-wise भी आपको Ramsar site याद रहनी चाहिए क्यों? क्योंकि आपको जब pairing के तौर पर पूछा जाएगा, A side में आपको states दे दिए गए होंगे और B सेक्शन में आपको सारे रामसर साइट्स दे दिए गए होंगे तो अब कौन सा रामसर साइट कौन से स्टेट में है ये आपको याद होना चाहिए वी हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड द स्टेट वाइज लिस्ट जस्ट ओपन दैट पॉज दिस स्लाइड एंड रिवाइज इट माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू बिकॉज रामसर इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अवर एग्जामिनेशन द डैमिंग ऑफ द रिवर बाई द आसन बैरिज इन 1967 सिक्सटी सेवन रिजल्टेड इन साइटेशन अबोव द डेम वॉल विच हेल्प टू क्रिएट समी साइड बर्ड फ्रेंडली हैबिटेट्स दीज हैबिटेट्स सपोर्ट थ्री थर्टी स्पीसीज ऑफ बर्ड इंक्लूडिंग दी क्रिटिकली एंडेंजर्ड रेड हेडेड वल्चर वाइट रम्बड वल्चर एंड बेर्सोचार जो कि हमने ऑलरेडी बिहार की जो कंवर झील है उसमें भी हमने देखा अदर नॉन एवियन स्पीशीज प्रेजेंट इंक्लूड फोर्टी नाइन फिश स्पीसीज वन ऑफ दिस बींग एन एंडेंजर्ड पुटीटोरा मशीर फिश यूज दिस साइट फॉर फीडिंग माइग्रेशन एंड स्पाउनिंग तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी इसीलिए उसको रामसार में इंक्लूड किया गया है नाउ द टोटल नंबर ऑफ रामसार साइट्स इन इंडिया इज थर्टी नाइन ओके नाउ लेट मी आस्क यू फ्यू ऑफ द क्वेश्चन जिसके आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देने हैं विच स्टेट इज हैविंग मोस्ट नंबर ऑफ रामसार साइट्स और हाइस्ट नंबर ऑफ रामसाराइट्स भारत में कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स है पहली रामसर साइट को कब डिक्लेयर किया गया एक्सक्लूडिंग दिस जो आज की जो दो रामसर साइट है उसके पहले जो दस रामसर साइट थी उसको कब डिक्लेयर किया गया गुजरात में जो रामसर साइट है उसको कब रामसर साइट के तौर पर बनाया गया एंड वॉट इज मॉन्ट्रेय रिकॉर्ड तो ये चार पांच जो क्वेश्चन पूछे उसके आंसर आपको मुझे बताने हैं सम ऑफ द आंसर्स आर ऑलरेडी इन दिस स्लाइड तो ये एक बार पढ़ लीजिए दिस इज़ फॉर योर सेल्फ स्टडी मॉन्ट्रेयस रिकॉर्ड में ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है केवला देव नेशनल पार्क फ्रॉम राजस्थान एंड लोकताक लेक मणिपुर जिसको मॉन्ट्रेयस रिकॉर्ड जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंस वाले जो रामसर साइट है उनको मॉन्ट्रेयस रिकॉर्ड में रखा गया है नेक्स्ट जो थर्ड टॉपिक है आज का हमारे लिए दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू गुजरात सो इंडियाज फर्स्ट सी प्लेन प्रोजेक्ट जो कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्राइम मिनिस्टर थे गुजरात विजिट पे तब उन्होंने ये फिजिकली इसको लॉन्च किया सो इंडिया फर्स्ट सी प्लेन सर्विस इन गुजरात इज सेट टू स्टार्ट फ्रॉम थर्टी फर्स्ट ऑफ अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल विथ द एम ऑफ प्रोवाइडिंग एयर कनेक्टिविटी बिटवीन साबरमती रिवर फ्रंट इन अहमदाबाद एंड द स्टेचू ऑफ यूनिटी इन केवड़िया तो कौन से दो स्पॉट्स को ये जोड़ेगा केवडिया से अहमदाबाद साबरमती रिवर फ्रंट दी प्लेन विल बी ऑपरेटेड बाय स्पाइस जेट तो ये कंपनी का नाम याद रखना भी ज़रूरी है स्पाइस जेट जो कि एक प्राइवेट एविएशन कंपनी है वो इसको ऑपरेट करेगी इट इज़ ए नाइनटीन सीटर सी प्लेन विच विल बी एबल टू अकोमोडेट फोर्टीन पैसेंजर्स और बाकी के जो लोग हैं दोज विल बी क्रू मेम्बर्स इन दी नेक्स्ट फेज़ धरोई डैम जो कि है मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में विल कनेक्ट अंबाजी एंड शत्रुंजय डैम जो कि है भावनगर डिस्ट्रिक्ट में एंड तापी डिस्ट्रिक्ट तो आने वाले कुछ तीन चार महीनों में ही ऑलरेडी प्लान इज़ ऑन पेपर और सारी उन उसके लिए भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं आने वाले तीन चार महीनों में ही आपको खबर मिलेगी कि आ, सूरत से और तापी डिस्ट्रिक्ट से काफ़ी जगहों को केवड़िया के साथ जोड़ा जाएगा सी प्लेन क्या है सो सी प्लेन इज अ फिक्स्ड विंग एयरप्लेन डिजाइन फॉर टेकिंग ऑफ एंड लैंडिंग ऑन वाटर तो ये सी प्लेन की एक यूनिकनेस है एक कैरेक्टरिस्टिक है कि उसको पानी के ऊपर लैंड कराया जा सकता है और वो पानी के ऊपर से ही टेक ऑफ करेगा देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सी प्लेन्स फ्लाइंग बोट्स एंड फ्लोट प्लेन्स

fuselage is its main landing gear this is usually supplemented with smaller floats near the wing tips called wing or tip floats the hull of a flying boat hold, holds the crew passengers and cargo it has many features in common with the hull of a ship or a boat a float plane is support, supported on the water by pontoons called floats okay so this is the basic knowledge about the sea plane uh, this is just for your knowledge okay already maine aapko picture mein dikha diya hai ki this kind of a sea plane jo ki land uh, take off ऑफ किया था साबरमती आश्रम से right? और prime minister first passenger बने जिन्होंने केवड़िया टू साबरमती इसमें ट्रैवल uh, किया था इंडियाज सी प्लेम प्रोजेक्ट सो एज पर द डिरेक्शन ऑफ द सेंटर द एयरपोर्ट्स ऑथोरिटी ऑफ इंडिया रिक्वेस्टेड स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ गुजरात असम आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना तो देखिए चार पायलॉट स्टेट चुने गए थे फॉर दिस प्रोजेक्ट गुजरात आसम आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आंदमान एंड निकोबार टू प्रपोज पोटेंशियल लोकेशन फॉर सेटिंग अप वॉटर एयरपोर्ट टू बूस्ट द क्टर इन ट्वेंटी अप्रूव्ड फ्लाइट फ्रॉम सिक्स वाटर एयरपोर्ट इंक्लूड शत्रुंजय डैम गुवाहाटी रिवर फ्रंट एंड उमर रिजर्वेयर एंड नागार्जुना सागर अंडर दर्ड राउंड ऑफ उडे देश का आम नागरिक स्कीम तो देखिये सी प्लेन के थ्रू जो ट्रेवलिंग होगा उसको भी उडे देश का आम नागरिक जो हमारी उड़ान स्कीम है उसके अंडर रखा गया है द राउट्स अवार For seaplane operations include Sabarmati Riverfront to Statue of Unity and Shetrunjai Dam, Guwahati Riverfront to Umrango Reservoir, Jorhat and Shillong, and Nagarjuna Sagar to Vijayawada and Hyderabad. Agati, Kavarati, and Minikoi Island of Lakshadweep have also been proposed to be connected through the seaplane project under the fourth round of. उड़ान स्कीम तो आने वाले टाइम में लक्षद्वीप को भी इसके अंदर जोड़ा जाएगा इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट तो देखिए काफ़ी सारी बहस है इसके ऊपर सो देर इज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑल्सो एज वेल एज द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑल्सो नेगेटिव क्या है सो एक्सपर्ट्स आर ऑफ द ओपिनियन दैट द एक्टिविटीज़ प्रपोज अंडर द वाटर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट मे हैव अ सिमिलर टाइप ऑफ इम्पैक्ट एज दैट ऑफ एन एयरपोर्ट तो जो नुकसान रेगुलर एयरपोर्ट करता है वैसा ही नुकसान हमारा वाटर एयरपोर्ट भी कर सकता है एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है हवेवर दॉटर एयरपोर्ट इज नॉट अ लिस्टेड प्रोजेक्ट एक्टिविटी इन दिस केड्यूल टू द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असमेंट नोटिफिकेशन टू थाउजेंड एंड सिक्स नॉर इन दी आई ए ड्राफ्ट ट्वेंटी ट्वेंटी तो गवर्नमेंट को इसकी ज्यादा चिंता नहीं है कि वो क्या इफेक्ट करेगा इसीलिए उसको ज्यादा टेस्टिंग के लिए आ, किसी भी ड्राफ्ट में या किसी भी रूल में नहीं रखा गया है सारों को एन्वायरमेंटल क्लियरेंस एज ऑफ नाव मिल चुका है पॉजिटिव क्या है सो ड्यूरिंग सी प्लेन ऑपरेशन देर विल बी अ टर्ब्यूलेंस क्रिएटेड इन दी वॉटर वाइल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ऑफ सी प्लेन्स राइट जब पानी के ऊपर से टेक ऑफ करेगा जब जो सी प्लेन है और जब वो लैंड करेगा तो पानी की जो सतह है के ऊपर टर्बुलेंस क्रिएट होगा और टर्बुलेंस क्रिएट होने की वजह से जो ऑक्सीजन है वो वाटर के साथ जल्दी मिल जाएगा और इससे बायोडाइवर्सिटी जो आ, विद इन दी वॉटर जो बायोडाइवर्सिटी है फॉर दैट पर्टिकुलर रीजियन उसको फ़ायदा होने की संभावना जताई जा रही है सो दिस विल लीड टू मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन इन दॉटर विच विल हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द एक्विटिक इको सिस्टम नियर सी प्लेन ऑपरेशन इंक्रीजिंग ऑक्सीजन कॉन्टेंट एंड डिक्रीजिंग कार्बन कंटेंट इन दिस सिस्टम राइट तो जैसे जैसे सी प्लेन स्टार्ट होगा हमें उसके बारे में जो इफेक्ट है वो धीरे धीरे करके पता चलेंगे

दि टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ दिस एप्लीकेशन और लेट्स से इंस्टाग्राम तो इंस्टाग्राम पे जब आप कुछ पोस्ट करने जाओगे तो इंस्टाग्राम आपको पूछेगा कि इंस्टाग्राम वुड लाइक टू एक्सेस योर फोटोज़ और इंस्टाग्राम वुड लाइक टू एक्सेस योर कैमराज और सो एंड सो फाइल्स प्रेजेंट ऑन योर फोन हम पढ़े भी नलवेज़ वॉट वी डू येस येस यस 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 अब जैसे ही आपने एक बार येस दबाया आपके जो सारे फोटोज़ है या जो भी डाटा है वो सीधा कौन एक्सेस कर पाएगा इंस्टाग्राम उसको एक्सेस कर पाएगा अब इंस्टाग्राम उस डेटा का क्या करता है डू यू नो आस्क योर सेल्फ या फेसबुक उस डेटा का क्या करता है डू यू नो नो राइट तो ऐसा माना जाता है कि आपके डेटा का देर इज अ बैक एंड बिजनेस कि आपके डेटा को किसी थर्ड पार्टी वेंडर को बेचा जा रहा है फॉर मिलियंस ऑफ डॉलर्स और इंडिया में रिसेंटली काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे या जो पत्रकार है जर्नलिस्ट है जो बड़े बड़े उनके ऊपर वॉच रखी जा रही थी थ्रू देर व्हाट्सएप एंड थ्रू देर सोशल मीडिया तो इसी को रोकने के लिए गवर्नमेंट एक नया डाटा प्रोटेक्शन बिल लेके आ रही है आने वाले आ, सेशन में ओके मोस्ट प्रोबेबली आने वाले सेशन में डिस्कशन अभी चल रहे हैं कि अगर इंडियन सिटीज़न है कोई या तो इंडिया का कोई स्मार्टफोन है या इंडिया का कोई ऑनलाइन अगर कोई सोशल मीडिया यूज़ करता है तो उसका डाटा इंडिया में ही स्टोर होना चाहिए फेसबुक एमेज़ोन या एक्स वाई जेड जो भी कंपनी है उसको अपने सर्वर्स इंडिया में एस्टेब्लिश करने पड़ेंगे राइट right? अगर मान लीजिए आपकी डिटेल्स कोई दुश्मन कंट्री के पास चली जाती है जिसमें हो सकता है कि कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो तो वो सीधा सीधा आपको नुकसान पहुंचाया जा सकता है हो सकता है आपकी बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को इजीली हैक कर सकता है राइट right? क्योंकि आपके फ़ोन में तो सारी चीज़ें अवेलेबल होगी सारा डाटा आपके फ़ोन में आपने स्टोर किया होगा ओ से लेकर पासवर्ड सारी चीज़ें तो अगर वो हैक हो जाएगी तो वो काफ़ी दिक्कत क्रिएट कर सकता है तो उसी के लिए ये बिल लाया जा रहा है सो रिसेंटली फेसबुक इंडियाज़ पॉलिसी हेड हैज़ अपियर्ड बिफोर दी थर्टी मेम्बर जॉइंट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट जिसको हम जे पी सी के नाम से जानते ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी ज्वाइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट विच इज एग्जामिन ड्राफ्ट पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल ट्वेंटी नाइनटीन हाउेवर एमेजोन हैज डिक्लाइंड टू अपियर ऑन दी ग्राउंड ऑफ रिस्की ट्रेवल एमिट देंडेमिक तो अमेजोन के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने आने से मना कर दिया बट फेसबुक की जो पॉलिसी हेड थी इंडिया की ओके शी वॉज ए लेडी आपको मुझे उनका नाम बताना है जिन्होंने रिसेंटली रिजाइन किया आफ्टर अपियरिंग दी जे उन्होंने कुछ ही दिनों बाद रिजाइन कर दिया अपनी पोस्ट से राइट एंड दैट वॉज वेरी बिग न्यूज फॉर अस तो वो उनका नाम आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है सो अमेज़ॉन ट्विटर फेसबुक गूगल एंड पेटीएम आर among दी कंपनीज फ्रॉम whom the कमिटी has व्यूज ऑन डाटा सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन protection amid concerns दैट the प्राइवेसी ऑफ यूजर इज being कॉम्प्रोमाइज्ड फॉर commercial इंटरेस्ट जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपका डेटा जो है वो थर्ड पार्टी वेंडर को बेचा जा रहा है और क्यों थर्ड पार्टी वेंडर को बेचा जा रहा है ताकि आपके डेटा को सर्वे करने के बाद उस तरीके से प्रोडक्ट जो है वो आपके कंट्री में लॉन्च किए जाए राइट सो फेसबुक वॉज इंटरोगेटेड ऑन हाउ इट टारगेट्स data storage डाटा स्टोरेज मॉडल एंड ट्रांसफर ऑफ डाटा एट्सेट्रा एमेजॉन्स रिफ्यूजल अमाउंट्स टू अ ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज एंड is इज यूनैनिमस अबाउट टेकिंग action एक्शन इफ नो वन फ्रॉम द कंपनी on ऑन next डेट तो अब जे जो है उन्होंने बड़े गुस्से से अमेजोन को बता दिया है कि अगर आप नेक्स्ट डेट को अगर हमारे सामने नहीं आते हो टू फेस दी पार्लियामेंट्री कमिटी तो आपको कोयरसिव एक्शन मतलब आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन इंडिया में लिए जाएंगे और जिसका कमर्शियल नुकसान किसको होगा अमेजोन को हो सकता है ना वॉट इज़ पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल नाम से ही आपको पता चलेगा कि आपका जो ऑनलाइन डाटा है उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाएगा उसके सारे रूल्स रेगुलेशन लिखे होंगे इस बिल के अंदर इट इज़ कॉमनली रिफर्ड एज द प्राइवेसी बिल एंड इंटेंड्स टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट्स बाई रेगुलेटिंग दी कलेक्शन मूवमेंट एंड प्रोसेसिंग ऑफ डाटा दैट इज पर्सनल और विच कैन आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल एक रिसेंट एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ जब से पेंडेमिक स्टार्ट हुआ एंड वी हैव स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम होम सो देर आर मल्टीपल कॉरपोरेशंस अक्रॉस दी वर्ल्ड जिन्होंने जूम करके जो एप्लीकेशन है उसको यूज़ करना स्टार्ट किया अब कुछ दिनों के बाद यह पता चला कि ज़ूम के जो डाटा सर्वर जो है जहाँ पे वो डाटा स्टोर करता है वो चाइना और हांगकॉन्ग में लोकेटेड है अब जब चाइना और हांगकॉन्ग में लोकेटेड है तो चाइना की तो पॉलिसी ही ये है कि किसी भी कंपनी को अगर चाइनीज़ गवर्नमेंट चाहे तो वो डाटा सीधा सीधा वो मांग सकती है किसी भी कंपनी के पास अब काफ़ी सारी ऑफिस मीटिंग्स ऐसी होगी जहाँ पे काफ़ी सारी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें डिस्कस होगी अगर वो डेटा चाइनीज गवर्नमेंट के पास लीक हो जाता है सो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग दैट इज़ अ ब्रीच इन योर प्राइवेसी ओके सो इसी तरीके से फेसबुक है गूगल है वो आपका डेटा आपसे ले रहे हैं और थर्ड पार्टी वेंडर को बेच रहे हैं तो उसी के लिए इनको हमारी जो पार्लियामेंट्री कमेटी है जिसमें हमारे सारे राज्यसभा और लोकसभा के एम बैठे हैं वो ये जानना चाहते हैं कि भाई किस तरीके से डेटा प्रोटेक्शन बिल को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंदन किया जा सके द बिल डिराइव इट्स inspiration फ्रॉम अ प्रीवियस ड्राफ्ट वर्जन प्रिपेयर बाई अ कमिटी हेडेड बाई रिटायर्ड जस्टिस बी एन श्री कृष्णा तो उसको बेस बनाकर एक नया बिल लाया जाएगा इन डिसम्बर ट्वेंटी नाइनटीन Parliament approved sending it to the Joint Committee. The bill gives the government powers to authorize the transfer of certain types of personal data overseas and has given exceptions allowing government agencies to collect personal data of citizens. The bill divides the data into three categories and mandates their storage depending upon the type. ग्रुप्स में डाटा को बांटा गया है सो दैट इज़ पर्सनल डाटा सेंसिटिव पर्सनल डाटा एंड क्रिटिकल पर्सनल डाटा नाउ व्हाट इज पर्सनल डाटा सो डाटा फ्रॉम विच एन इंडिविजुअल कैन बी आइडेंटिफाइड लाइक नेम एड्रेस योर ई मेल आई डी एट्सिट्रा आर योर पर्सनल डाटा सम नाउ वॉट इज सेंसिटिव पर्सनल डाटा सो सम टाइप्स ऑफ पर्सनल डाटा लाइक फिनंशियल हेल्थ रिलेटेड सेक्शुअल ओरिएंटेशन बायोमेट्रिक जेनेटिक ट्रांसजेंडर स्टेटस कास्ट रिलीजियस बिलीफ एंड मोर तो ये सारा जो हो गया दैट इज सेंसिटिव पर्सनल डाटा इट नीड्स टू बी स्टोर ओनली इन इंडिया एंड कैन बी प्रोसेस्ड अब्रोड ओनली अंडर सर्टेन कंडीशन इनक्लूडिंग अप्रूवल ऑफ़ द डाटा प्रोटेक्शन एजेंसी सो दिस विल बी अ गवर्नमेंट एजेंसी वो जब कहेगी कि हाँ चलो इस डाटा को आप अब्रॉड में प्रोसेस कर सकते हो तभी जाके कोई भी कंपनी चाहे वो अमेजोन हो चाहे वो गूगल हो कोई भी बाहर की कंपनी तभी जाके उसको प्रोसेस कर पाएगी अगर वो विदाउट गवर्नमेंट कंसेंट उस डाटा को अब्रॉड ले जाती है तो वो इस बिल के तहत उसको सजा दी जा सकती है उस कंपनी को क्रिटिकल पर्सनल डाटा क्या हो गया सो एनी थिंग डेट द गवर्नमेंट एट एनी टाइम कैन डीम क्रिटिकल सच एज मिलिट्री और नेशनल सिक्योरिटी डाटा इट मस्ट बी स्टोर्ड एंड प्रोसेस्ड इन इंडिया ओनली अगर गवर्नमेंट को लगेगा कि ये जो डाटा है वो इंडिया की सिक्योरिटी एंड सॉवरनिटी को ब्रीच कर रहा है तो उसको सीधा बोल दिया जाएगा कि इसको हटा दो रिसेंटली अगर आप रेगुलर अगर आप, आपने न्यूज़ देखे हो तो आ, इंडिया के जो एक बड़े दर्जे के ऑफिशियल थे जो जम्मू कश्मीर से ट्विटर पे आए थे राइट और वो कोई मीटिंग अटेंड कर रहे थे तो वहाँ पे उनका जो एड्रेस अड, था राइट वो क्या दिखाया गया जम्मू कश्मीर और ब्रैकेट में लिखा हुआ था पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना राइट जबकि पूरी दुनिया को पता है और इंडिया काफी स्ट्रांगली ये बार बार इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के कह चुका है ये अनाउंस कर चुका है कि जम्मू कश्मीर इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया राइट जब ये ऑफिशियल को ये पता चला उन्होंने उसका स्क्रीन शॉट लेके गवर्नमेंट को दिया और गवर्नमेंट ने ट्विटर को बोला कि भाई यू नीड टू चेंज दिस डेटा बेस अदरवाइज हम इंडिया में ट्विटर के अगेंस्ट एक्शंस लेंगे राइट right? तो ट्विटर ने माफी भी मांगी और उसको अपने डेटाबेस को करेक्ट करने का गवर्नमेंट को uh, बताया कि वी विल टेक एक्शन अगेन दैट वाई दिस मिस्टेक हैज ओके तो देखिए ये चीजें भी पोलिटिकली और ज्योग्राफिकली किस तरह से सोशल मीडिया के साथ जुड़ी हुई है तो इससे आपको पता चलेगा इट रिमूव द रिक्वायरमेंट ऑफ डाटा मिररिंग ओनली इंडिविजुअल कंसेंट फॉर डाटा ट्रांसफर अब्रॉड इज रिक्वायर्ड डाटा मिररिंग इज एन एक्ट ऑफ कॉपिंग डाटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अ स्टोरेज डिवाइस इन रियल टाइम जैसे हम पेनड्राइव से कोई डाटा अपने लैपटॉप में कॉपी करोगे ओके okay, तो बड़े लेवल पे जो होगा दैट इज कॉल्ड एज डाटा मिररिंग इन द अर्यर वर्जन द बिल अनेबल्ड द ट्रांसफर ऑफ पर्सनल डाटा आउटसाइड इंडिया विथ अ सब कैटेगरी ऑफ एस हैविंग टू बी मिररर इन दी कंट्री मीनिंग जो डाटा आप फॉरेन में मूव कर रहे हो उसकी एक कॉपी हमेशा इंडिया uh, में रहनी चाहिए उस क्लॉज को क्या कर दिया गया है हटा दिया गया है इट मैंडेट्स डाटा फिडिशियरीज टू प्रोवाइड द गवर्नमेंट विथ एनी नॉन पर्सनल डाटा वैन डिमांडेड तो जब गवर्नमेंट मांगेगी तो वो डाटा उनको देना पड़ेगा नॉन पर्सनल डाटा रिफर्स टू एनोनिमाइज डाटा सच एज ट्राफिक पैटर्नस और डेमोग्राफिक डाटा अब देखिए ये क्यों जरूरी है क्योंकि इन द कंट्री लाइक इंडिया एंड इन द एरा ऑफ सोशल मीडिया फेक न्यूज़ काफ़ी जल्दी ट्रेवल कर सकते हैं तो गवर्नमेंट को उन फेक न्यूज़ को बढ़ने से रोकना है इन क्रूशल टाइम्स तो उसकी वजह से ये सारे जो क्लॉज है उसमें डाले गए हैं द प्रीवियस ड्राफ्ट डिड नाट अप्लाई टू दिस टाइप ऑफ डाटा विच मैनी कंपनीज यूज टू फंड देयर बिजनेस मॉडल डाटा फ्यूडिशरी क्या है इट मे बी अ सर्विस प्रोवाइडर हु कलेक्ट्स स्टोर्स एंड यूजेस डाटा इन द कोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग सच गुड्स एंड सर्विसेज द बिल रिक्वायर्स कंपनीज एंड सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज विच आर सिग्निफिकेंट डाटा फ्यूडिशियरीज टू अनेबल यूजर्स इन इंडिया टू वॉल्टरि वेरीफाई देयर अकाउंट्स तो अब आने वाले टाइम में क्या होगा कि आपको ही ऐप अगर आपने इंस्टॉल किया है तो आपको पूछ लिया जाएगा कि वुड यू लाइक टू शेयर योर डाटा अब्रॉड और इन इंडिया अगर आप यस yes करोगे तभी वो डाटा शेयर हो पाएगा अदरवाइज योर डाटा कैन नॉट बी शेयर इट वुड बी अ विजिबल इन अ डेमोन्स्ट्रेबल एंड विजिबल मार्क ऑफ वेरिफिकेशन विच शेल बी विजिबल टू ऑल यूजर्स ऑफ द सर्विस ओके बट यूजली वी ड नॉट केयर टू रीड फॉर दर यू नो बिफोर क्लिकिंग दैट एग्री एंड कंटिन्यू बटन हम जस्ट स्क्रोल डाउन करके वॉट वी डू एग्री एंड कंटिन्यू कंडीशन में क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है वी डू नॉट केयर अबाउट दैट एंड स्पेशली इंडियंस डू नॉट केयर अबाउट दैट दिस इंटेंड्स टू डिक्रीज द एनोनिमिटी ऑफ द यूजर एंड प्रिवेंट ट्रोलिंग एडवांटेजेस क्या होंगे तो आपका डेटा प्राइवेसी के अंडर लाया जाएगा उससे बड़ा बेनिफिट क्या हो सकता है ओके डाटा लोकलाइजेशन कैन हेल्प लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज एक्सेस डाटा फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड एनफोर्समेंट एंड ऑल्सो इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू टैक्स इंटरनेट जॉन्ट्स इंस्टेंसी इंस्टेंसीज ऑफ साइबर अटैक्स एंड सर्वेलेंस कैन बी चेकड जो अभी मैंने आपको बताया कि बड़े बड़े जो नेता थे uh, जर्नलिस्ट थे उनके जो व्हाट्सएप uh, अकाउंट थे वो मॉनिटर हो रहे थे तो वो एक इजरायली सॉफ्टवेयर था जिसका नाम था स्पाइवेयर पैगास वे हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन अवर पास्ट वीडियोज़ यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट सोशल मीडिया विच इज़ समटाइम्स यूज टू स्प्रेड फेक न्यूज़ कैन बी मॉनिटर्ड एंड चेक्ड प्रिवेंटिंग इमर्जिंग नेशनल थ्रेट्स इन टाइम अ स्ट्रॉग डाटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन विल ऑल्सो हेल्प टू एनफोर्स डाटा सॉवरिटी तो ये सारे जो बेनिफिट्स है वो आने वाले टाइम में इस बिल से जब ये पास होगा पार्लियामेंट से और जब ये एक्ट बनेगा तो ये सारे एडवांटेजेस हमें देखने को मिलेंगे ओके okay? नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा दैट इज लिंक्ड टू एजुकेशन सो मर्जर ऑफ स्कूल्स इन ओडिशा अंडर दिस साथ प्रोजेक्ट अब देखिए क्या ये मर्जर ऑफ स्कूल तो काफी सारे गवर्नमेंट स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे मान लीजिए कि सौ लोगों की कैपेसिटी को ध्यान में रखकर अगर कोई स्कूल बनाया गया है ऐसे दस स्कूल दस किलोमीटर के एरिया में बनाए गए हैं अब ये दस स्कूलों में मान लीजिए बीस या तीस पर स्कूल अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो क्या ये सही है कि दस सारे दस स्कूलों को चालू रखा जाए देट इज अ वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज राइट तो अंडर दी साथ प्रोजेक्ट ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है तो उसके अंडर ये डिसाइड किया गया है कि जो स्कूल में ज्यादा एनरोलमेंट नहीं है उनको मर्ज कर दिया जाएगा और दस में से तीन या चार स्कूल बना दिए जाएंगे इससे क्या होगा कि जो फंडिंग है वो सही जगह पे इस्तेमाल हो सकेगी और सही तरीके से इस्तेमाल हो सकेगी तो बस यही इसके अंदर हमें पढ़ना है The Odisha गवर्नमेंट हैज़ आइडेंटिफाइड अराउंड 8,000 थाउजेंड स्कूल्स इन फिफ्टीन डिस्ट्रिक्स विच विल बी मर्ज विथ अदर स्कूल्स ड्यू टू लो एनरोलमेंट लेस देन ट्वेंटी स्टूडेंट्स ओके

फोकस ऑन टू मेन सेक्टर्स एजुकेशन एंड हेल्थ एंड टू बिल्ड थ्री रोल मॉडल स्टेट्स जिसमें से एक स्टेट कौन सा है उड़ीसा साथी अपीयर्स टू बी अ साथी टू द एजुकेशनल सिस्टम विद द स्टूडेंट एंड द टीचर एट इट्स सेंटर इन 2017 ओडिशा वाज अमोंग थ्री स्टेट्स अलॉन्ग विद झारखंड एंड मध्य प्रदेश देखिए ऐसे ही तीन स्टेट्स को चुना गया है जो कि ट्राइबल स्टेट्स है और जहाँ पे शिक्षा की जो करंट uh, सिचुएशन है दैट इज बिट डाउन तो उसको ऊपर लाने के लिए उसको सुधारने के लिए ऐसे तीन स्टेट्स को चुना गया है तो तीन स्टेट आपको याद रखने हैं जिसको साथी प्रोजेक्ट के अंदर चुना गया है ओडिशा झारखंड एंड मध्य प्रदेश टू बी सिलेक्टेड बाई नित फॉर द प्रोजेक्ट द इनिशिएटिव एम्स टू ट्रांसफॉर्म एलिमेंटरी एंड सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन थ्रू goal-driven exercise and create role model states for education the initiative culminates at the end of the 2020 academic year critical interventions including school mergers remediation program training monitoring teacher recruitment institutional reorganization at district and state level and proper utilization of management information system are in execution एग्जीक्यूशन मोड सिंस जन्युआ ट्वेंटी एटीन तो ये सारी चीज़ है कि रिसोर्सिस का किस तरह से इफेक्टिवली एंड सही ढंग से इस्तेमाल हो सके वो उसका पूरा मॉडल रेडी किया जा रहा है मर्जर ऑफ स्कूल इज एडवोकेटेड टू हेल्प कॉन्सोलीडेट रिसोर्स सच एस टीचर्स लाइब्रेरीज लेबोरेटरीज एंड प्लेक्विपमेंट एम आई एस कैन असिस्ट द स्कूल मैनेजर इन डिटरमाइनिंग द एम्स ऑफ द स्कूल फार्मूलेटिंग स्ट्रेटेजिक प्लान डिस्ट्रीब्यूटिंग रिसोर्सिस एंड इवेल्यूएटिंग स्टाफ परफॉर्मेंस एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस तो ये सारी चीज़ें साथ ही प्रोजेक्ट के अंदर होगी कंसर्न विथ मर्जर ऑफ स्कूल तो देखिए जो हमारा आर टी ई है राइट टू एजुकेशन एक्ट उसमें कुछ कुछ स्पेसिफिक चीज़ें डिफाइन की गई है कि एक किलोमीटर के अंदर स्कूल होना चाहिए एंड सो एंड सो अब जब स्कूलों का मर्जर होगा जब दस में से तीन स्कूल बनेंगे तो हो सकता है कि कुछ बच्चों को एक किलोमीटर को छोड़कर तीन किलोमीटर चार किलोमीटर ट्रैवल करना पड़े तो उसको किस तरीके से अकोमोडेट किया जाएगा तो उसके बारे में हम बात करनी है एक्टिविस्ट्स हैव आर्ग्यूड दैट क्लोजर और मर्जर ऑफ़ स्कूल्स इज़ इन वायोलेशन ऑफ सेक्शन थ्री एंड एट ऑफ द राइट टू एजुकेशन एक्ट टू थाउजेंड एंड नाइन सेक्शन थ्री प्रोवाइड्स टू एवरी चाइल्ड ऑफ द एज ऑफ सिक्स टू फोर्टीन ईयर्स द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इन द नेबरहुड स्कूल टिल द कंप्लीशन ऑफ़ एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब क्या है इसका कि जो प्राइमरी एजुकेशन है आपका वो नेबरहुड स्कूल में होना चाहिए आसपास में ही कहीं स्कूल होना चाहिए सेक्शन एट असाइंस Duties to the appropriate government to ensure that it provides free and compulsory elementary education to every child in a neighborhood school. Underlined word word kya hai, neighborhood school. Majority of these schools are from tribal belts on hilly terrains. Closure of schools in a village will only increase the dropout rate as it won't be feasible for students to travel far to attend school. एक किलोमीटर जो बच्चा मुश्किल से ट्रैवल कर सकता था वो अब तीन किलोमीटर या चार चार किलोमीटर ट्रैवल नहीं करेगा ऐसी चिंता जताई जा रही है फॉर मर्जर ऑफ द स्कूल्स पेरेंट्स आर आल्सो कंसर्न दैट इफ देयर चिल्ड्रन फेल टू अटेंड स्कूल दे विल आल्सो बी डिप्राइव ऑफ द मिड डे मील्स एंड मिड डे मील काफ़ी सक्सेसफुल स्कीम है काफ़ी बच्चे सिर्फ खाना खाने के लिए स्कूल जाते थे बट इससे अगर इसकी वजह से भी अगर उनको शिक्षा प्राप्त हो रही है तो देट इज़ वेल एंड गुड स्टेट गवर्नमेंट ने इस पर क्या रिस्पॉन्स दिया है ओडिशा गवर्नमेंट ने सो स्टूडेंट्स हु विल हैव टू ट्रैवल टू अ डिस्टेंट स्कूल विल बी प्रोवाइडेड विद अ डेली अलाउंस ऑफ ट्वेंटी रुपीज़ एंड अ स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल्स फेसिंग क्लोजर विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड अ वन टाइम फैसिलिटेशन अलाउंस ऑफ रुपीज थ्री थाउजेंड तो उस बच्चे को ट्रैवल अलाउंस दिए जाएंगे रोज़ के और जिसकी स्कूल बंद हो रही है उसको एक टाइम के लिए वन टाइम अमाउंट थ्री थाउजेंड रुपीज भी दे दिया जाएगा इफ द डिस्टेंस टू स्कूल इज मोर देन वन किलोमीटर स्टूडेंट्स विल बी प्रोवाइडेड ट्रैवल अलाउंस एज पर द राइट टू एजुकेशन नॉर्म्स तो वो ऑलरेडी आर टी में लिखा हुआ है तो वो अकोमोडेट हो गया फर्दर द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैव बीन ऑथोराइज टू कैंसल द मर्जर इफ जेन्यून कंसर्न्स अराइज तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो कि पूरे जिले को अच्छे तरीके से जानता है अगर उसको लगेगा कि हाँ जेन्यून रीजन की वजह से अगर ये स्कूल को चालू रखने की ज़रूरत है तो वो मर्जर क्या कर सकता है कैंसिल भी कर सकेगा तो ये दिस इज़ दी ऑल अबाउट योर साथी प्रोजेक्ट नेक्स्ट इज दिस टॉपिक इज़ रिलेटेड टू मॉड्यूल इंटरनेशनल रिलेशंस इंडिया इन सपोर्ट ऑफ फ्रांस तो आपको पता होगा कि पिछले कुछ दिनों में फ्रांस में काफ़ी सारे आतंकवादी हमले हुए हैं और अभी कल परसों में ही वियना में ऑस्ट्रिया की कैपिटल जो है वियना वहाँ पे भी आतंकवादी हमले होते हुए हमें दिखे हैं और फ्रांस इसके सामने खुलकर ये बोल रहा है कि जो कट्टरवादी इस्लामी आतंकवाद है उसको फ्रांस में जगह नहीं है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा और इसी की वजह से काफ़ी सारे जो गल्फ़ कंट्रीज़ है जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी वाले कंट्रीज़ हैं वो फ्रां फ्रेंच प्रोडक्ट्स का क्या कर रहे हैं बॉयकॉट कर रहे हैं इंडिया में भी अपने भोपाल में इंदौर में आ, यूपी के कुछ शहरों में जो मुस्लिम समाज है उन्होंने फ, आ, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन का पुतला पुतला जलाया जलाया और इस तरीके से उन्होंने भी विरोध किया बट इंडिया ने डिप्लोमेटिक तरीके से फ्रांस को ये बोल दिया है कि इंडिया इज सपोर्टिंग फ्रांस अगेंस्ट इट्स फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। ओके सो रिसेंटली इंडिया केम आउट इन सपोर्ट ऑफ फ्रांसिस प्रेसिडेंट हैज बीन क्रिटिसाइज बाई पाकिस्तान एंड टर्की फॉर स्ट्रांगली डिफेंडिंग द फ्रेंच पीपल्स राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बैकग्राउंड क्या है सो so रिसेंटली जैसे कि मैंने आपको बताया फ्रेंच स्कूल टीचर वॉज मर्डर्ड फॉर शोइंग कैरिकेचर्स ऑफ द प्रोफिट टू हिज स्टूडेंट्स कंडेमिंग द मर्डर फ्रेंच प्रेसिडेंट डिफेंडेड द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड सेक्यूलर वैल्यूज इन रिस्पॉन्स टर्की एंड पाकिस्तान अक्यूज फ्रेंच प्रेसिडेंट ऑफ रनिंग एन एंटी इस्लामिक एजेंडा एंड प्रोवोकिंग मुस्लिम्स अब देखिए टर्की और पाकिस्तान ने इसका विरोध किया तो इंडिया को इसका सपोर्ट करना वैसे भी बनता था क्योंकि इंडिया और टर्की में भी आजकल बनती नहीं है और पाकिस्तान के साथ तो हमारी 2014 से कभी बनी ही नहीं है ईरान एंड सऊदी अरेबिया टू कंडेम्ब कार्टून देर वॉज अ कॉल इन द इंटायर मुस्लिम वर्ल्ड टू बॉयकॉट फ्रेंच प्रोडक्ट्स इंडिया इज सपोर्ट टू फ्रांस इंडिया कंडेम्ब द क्रिटिसिज्म ऑफ टर्की एंड पाकिस्तान ऑन फ्रेंच प्रेसिडेंट बाई कॉलिंग द क्रिटिसिज्म इन वायोलेशन ऑफ द मोस्ट बेसिक स्टैंडर्ड्स ऑफ द इंटरनेशनल डिस्कोर्स India also condemned the murder of school teacher as brutal terrorist attack while France has seen repeated violent incidents around caricatures and cartoons that are deemed offensive it is unusual for India to wade into a controversy over religion in other country in 2015 after the attack on चार्ली हेपडो जर्नलिस्ट एंड कार्टूनिस्ट इंडिया कंडेम्ड द इंसीडेंट बाई कॉलिंग दैट इंडिया वॉज ऑन द साइड ऑफ दोज हु कंडेम्ड दिस बारबरिक इंसिडेंट तो इंडिया तो खुल के ये बोल रहा है कि पाकिस्तान इज द फैक्ट्री ऑफ टेररिज्म और एक बार जब तक सारे कंट्रीज़ इंटरनेशनल लेवल पे इतने बड़े बड़े कंट्रीज इतने डेवलप्ड कंट्रीज़ जब साथ में नहीं आएंगे तब तक टेररिज्म को ख़त्म नहीं किया जाएगा और पिछले बार हमने एफ के बारे में बात की थी कि एफ ने फेब्रुवरी 2021 तक पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा है तो इससे इंडिया को और एक चांस मिल जाएगा कि एफ के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा कि जो जहाँ से भी ये आतंकवादी आ रहे हो उस कंट्री को ब्लैक लिस्ट में विदाउट एनी डीले डाल दिया जाए सो इंडियाज़ सपोर्ट फॉर फ्रेंच प्रेसिडेंट हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द फैक्ट दैट द चार्ज अगेंस्ट फ्रेंच प्रेसिडेंट हैज़ बीन लेड बाय टर्की एंड पाकिस्तान टू कंट्रीज दैट है अटैक्ड इंडिया ओवर जम्मू एंड कश्मीर एंड एलिजिड ह्यूमन राइट्स वायलेशन। तो इंटरनेशनल तौर पर इसको इस तरीके से देखा जा रहा है कि क्योंकि टर्की और पाकिस्तान फ्रेंच के अपोज में खड़े हैं इसलिए इंडिया उसके फ्रांस के सपोर्ट में खड़ा है राइट बट इंडिया ने खुलकर अपना जो पोजीशन है वो क्लियर कर दिया है देखिए पहले क्या होता था कि इंडिया हमेशा न्यूट्रल रहना पसंद करता था ना इधर ना उधर बट पिछले काफी सालों से वी हैव क्लियर अवर पोजिशन के ये हमारा स्टैंड है हम यूएसए के सामने भी नहीं डरे जब यूएसए ने पेरिस अग्रीमेंट से 2018 में अपना नाम वापस ले लिया तो यूएसए ने इंडिया के ऊपर भी काफ़ी प्रेशर बनाया था एट दैट टाइम लेट मिसेस सुषमा स्वराज वाज अवर फॉरेन मिनिस्टर तो तब इंडिया पे भी ये प्रेशर बना था कि इंडिया को भी पेरिस एग्रीमेंट से पीछे हट जाना चाहिए तो इंडिया ने स्ट्रांगली ये बोल दिया कि चाहे यू एस हटे चाहे रशिया हट जाए चाहे कोई भी देश हट जाए बट वी आर ओबलाइज टू आवर एनवायरमेंट और हमें है, हम पेरिस एग्रीमेंट समझौते को पूरा करके रहेंगे दैट इज़ अवर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया ने इतने तक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर कह दिया था तो जो न्यूट्रलिटी वाली जो बात थी वो अब हमें देखने को नहीं मिलती और इंडिया स्ट्रांगली इंटरनेशनल लेवल पे अपनी बात रखता है क्यों रखता है बिकॉज इन लास्ट कपल ऑफ ईयर्स इंडिया का जो स्ट्रेचर है वो बड़ा है वो ज्यादा अच्छा हुआ है और इंडिया फ्रांस टाइज क्या है सो स्ट्रेटेजिक टाइज है सो इंडिया हैज क्लोज स्ट्रेटेजिक टाइज विथ फ्रांस स्पेशली ऑन इश्यूज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट फ्रॉम काउंटर टेररिज्म टू डिफेंस एंड न्यूक्लियर टू स्पेस टेरर के रिलेटेड तो ऑलरेडी फ्रांस के साथ हम खड़े हैं फ्रांस बेग्ड द इंडियाज प्रपोजल फॉर अ ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन टेररिज्म बोथ द कंट्रीज ऑल्सो सपोर्ट ऑर्गेनाइजिंग अ न्यू नो मनी फॉर टेरर एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फाइटिंग टेररिस्ट फिनेंसिंग

एक्सरसाइज शक्ति दैट इज़ अवर आर्मी ज्वाइंट एक्सरसाइज एक्सरसाइज वरुणा नेवी ज्वाइंट एक्सरसाइज एंड एक्सरसाइज गरुडा ज्वाइंट एयरफोर्स एक्सरसाइज रिसेंटली दी इंडियन एयरफोर्स हैज रिसिव्ड इट्स फर्स्ट बैच ऑफ अ फ्रेंच रफेल एविएशन कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट एट अम्बाला एयरबेरिस तो जो रफेल एयरक्राफ्ट है वो भी फ्रांस की डिसोल्ट कंपनी ने बनाया है तो हमारे डिफेंस टाइज जो है वो काफ़ी अच्छे हैं स्पेस के साथ स्पेस के सेक्टर में क्या टाइज है हमारे सो बोथ हैव डिसाइडेड टू स्पेस टू मीट न्यू चैलेंजेस टुगेदर वेदर इट कंसर्न्स प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन और ह्यूमन स्पेस फ्लाइट फ्रांस इज अग्रीड टू बी अ पार्ट ऑफ इंडियाज वीनस मिशन स्केड्यूल्ड फॉर ट्वेंटी ओके हम शुक्र पर पहुँचने की तैयारी कर रहे हैं इस वीनस इंस्ट्रूमेंट वायरल वीनस इंफ्रा रेड एटमोसफियरिक गैसेस लिंक हैज़ बीन को डेवलप्ड बाई रशियन एंड फ्रेंच एजेंसीज और मल्टी लेटरल प्लेटफॉर्म पर तो फ्रांस काफ़ी सपोर्ट करता है इंडिया को सो फ्रांस हैज़ बीन एक्सट्रीमली सपोर्टिव ऑफ इंडिया एट दू एन एस सी ऑन कश्मीर एंड पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म अमोंग अदर इशूज The Prime Minister of India Narendra Modi was a special invitee at the 45th G7 summit, which was held in Paris, France, where India was one of the goodwill partners. So, france ke राष्ट्रपति ने special invitee के तौर पर Narendra Modi को वहाँ पे uh, keynote speaker के तौर पर India को बुलाया गया था. और climate के बारे में already मैंने आपको बताया था. टू कंट्रीज है क्लोज कोऑपरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज एंड हैव फॉर्मड द इंटरनेशनल सोलार अलायंस तो जब इंडिया ने इंटरनेशनल सोलार अलायंस का आइडिया दिया तो फ्रांस वॉज दन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज जिसने आई एस ए को रेटिफाई किया था फॉर फ्रांस ओके तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है तो ये था आपका आज का लेक्चर होमवर्क में आपके लिए है नेशनल यूनिटी डे 2020 जो कि हमने 31 अक्टूबर को मनाया तो उस दिन आ, पूरा जो स्टैचू ऑफ़ यूनिटी के सारे जो डिटेल्स है वो एक बार आप देख लीजिए और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको देख लीजिए सेकेंड इज़ अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट ई 01 जो कि इसरो लॉन्च करने वाला है आने वाले दिनों में मोस्ट प्रोबेबली ऑन सेवेंथ ऑफ नवंबर इफ़ एवरीथिंग इज़ फाइन तो सेवन्थ ऑफ नवंबर को इसको लॉन्च किया जाएगा तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे बट आपको नज़र रखनी है एट्थ नवंबर को जब ये न्यूज़ news, न्यूज़पेपर में आएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये न्यूज़ मुझे पढ़ने हैं और स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वॉट इज़ पी एंड वॉट इज जी पोलार सिंक्रोनस एंड जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल क्या होते हैं उनमें क्या डिफरेंस है वो कब कब यूज़ होते हैं वो डिटेल है आपको एक बार देख लेनी है अगर कोई डाउट है जस्ट रीच आउट टू मी टिल देन स्टे होम स्टे सेफ थैंक यू